हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ भाई अपने टाटा कर्व के बारे में, जो कि आपको भाई 2024 के स्टार्टिंग मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा एंड मार्च तक भी जा सकती है, बट देखने को जरूर मिलेगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा कर्व के ऊपर। वैसे तो ये भाई अपना आप लोगों ने एक्सपो में देख ही लिया होगा, बट एक्सपो में जो एकदम चीजें रहती है वो नहीं मिल पाती, उसमें कुछ अपडेट होते हैं, कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं भाई अपने टाटा कर्व में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है। अभी जैसा अपना नेक्सॉन हैरियर फेसबुक में आपको मिला है कुछ फीचर्स वगैरह, आप जो देखें चेंजेस, तो वैसे कुछ आपको कर्व में मिलेंगे, बट वो भाई अपनी पूरी नई गाड़ी है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगे एज कम्पेयर टू द नेक्सॉन हैरियर एंड फेसलिफ्ट, मतलब अपनी जो सफारी की फेसलिफ्ट वगैरह आई है। तो गाइस, वही चीज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस प्राइस रेंज में रहने वाली है, और उस प्राइस रेंज के हिसाब से भाई अपनी जैसे कॉम्पिटिटर को देखते हैं तो भाई वो कॉम्पीट करती है अपनी जो कर्व आ रही है सोने वैल्यू वगैरह को, एंड ये सबसे एकदम अलग हट के भाई अपनी कर्व रहने वाली है। ये तो भाई 100% कंफर्म है, चाहे आप बात करते हैं इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, डिजाइन की, लुक की, और काफी बढ़िया सा वहाँ पे, मतलब आप लोगों ने देखा होगा एक्सपो वगैरह में, उसका फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो गाइस, अभी व्हीकल अपने पास नहीं है तो भाई मैं फेस कैम कर रहा हूँ। वैसे कोई किसी दूसरे की वीडियो उठा के कॉपी करके डालना ये सब बिल्कुल बेकार बात है, जैसे मेरे पास अवेलेबल होगा बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे इस वीडियो में प्रॉपर मैं आपको हर एक चीज अपने कर्व के बारे में बता दूंगा। बाकी गाइस, थोड़ा सा लुक वगैरह इंटीरियर एक्सटीरियर मैं आपको बिल्कुल अभी शो करा दूंगा, फोटो स्क्रीन पर अपना भाई शो हो जाएगा। और गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अपना जो कर्व है वो कंप्लीट करेगा भाई अपने सोनेट को, वेन्यू को, एंड अगर मारुति में अगर आप जाते हो तो वहां पे भाई वो अपने फ्रॉन्ग वगैरह को, निशान में मैग्नाइट को, तो ये सब व्हीकल को डायरेक्ट वो कंप्लीट करेगा। एंड फीचर्स वाइज तो आपको काफी बढ़िया देखने मिलेगा, जैसे कि आपको पता ही होगा टाटा अभी जो अपना बढ़िया फीचर्स ला रही है अपने लाइक नेक्सॉन में, आप लोगों ने देखा होगा कनेक्टेड डीआरएल, टेल लैंप, फ्लैट बॉटम, स्टीयरिंग, एनिमेटेड लोगों के साथ, और काफी बढ़िया, मतलब आप इंटीरियर देख रहे हो टाटा अपना करते जा रही है सेफ्टी के साथ, तो वही सब चीज आपको कर्व में मिलेगा। बट चलिए आइए हम देखते हैं कर्व में आपको क्या क्या अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप फ्रंट से देखते हो तो फ्रंट में वही अपनी कनेक्टिंग डीआरएल आ जाएगी, बट आपको जो ग्रिल मिलता है वो भाई ऊपर नॉन फंक्शनल मिलेगा, पूरा फ्लैट ग्रिल मिलता है जो काफी ज्यादा शानदार लगेगा देखने में। लोअर में डार्क क्रोम की रीट में मिल जाएगी, और कहीं यहीं पे आपको जैसा अपने नेक्सॉन में मिल रहा है वैसा ही हेडलाइट का पूरा सेटअप मिलेगा। सबसे बढ़िया चीज आपको जो लगेगी भाई वो रहने वाला है इसका अलॉय व्हील, काफी बढ़िया, मतलब मिनी उरुस आप इसको बोल सकते हो, काफी बढ़िया यहाँ पे आपको अपना अलॉय व्हील मिलेगा। टायर का सेक्शन भी काफी बढ़िया देखने वाला है, जिससे स्टेबिलिटी व्हीकल की काफी ज्यादा बढ़िया होगी। एंड गाइस, जो इसकी लुक रहने वाली है वो और भी ज्यादा भाई बोल्ड रहने वाली है। ऐसे में आपको बता दूं, जो इसका कनेक्टिंग डीआरएल है वो आपको थोड़ा सा नेक्सॉन जैसा देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे गाइस इसका जो डीआरएल है वो थोड़ा सा आपके इसके हुड पे भी जाएगा, जिससे कि व्हीकल की लुक और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। एंड गाइस, एक्सटीरियर काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। एंड गाइस, उसी के बाद यहाँ पे आपको एडास लेवल 2 की यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिलेगी 360 डिग्री कैमरा, रियर में 4 पार्किंग सेंसर, फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर, कनेक्टिंग डीआरएल, ऑल एलईडी सेटअप, लाइट, और भी सारे कई सारे यहाँ पे आपको फीचर्स मिलेंगे लाइक वेलकमिंग फीचर्स जैसे काफी सारे। अब बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर की। एंड गाइस, अगर इंटीरियर में आते हैं सबसे पहले गाइस काफी ज्यादा यहाँ पे आपको शानदार इंटीरियर मिलने वाला है, नेक्सॉन से भी काफी ज्यादा बढ़िया मिलेगा। एंड गाइस, यहाँ पे आपको जो सेंटर कंसोल मिलेगा वो अटैच नहीं रहेगा इसके डैशबोर्ड से, काफी बढ़िया यहाँ पे आपको एमबीएम लाइटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 12.23 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगी, उसी के बाद 10 इंचेस की यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिल जाएगी, इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग जो मिलेगी वो व्हाइट टेल टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल मिलेगी, सभी चीजें यहाँ पे आपको भाई टच बटन मिलेंगी, कोई भी आपको आपको ऐसा बटन नहीं मिलेगा भाई क्लिक करने वाला, सभी यहाँ पे टच मिलेंगे विद इल्यूमिनेटेड। काफी बढ़िया आपको गियर लीवर मिलेगा जो कि भाई राउंड शेप में अपना रहने वाला है एंड टॉगल करने वाला है, ये आपको भाई कोई भी ऐसा मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा नहीं मिलेगा। एंड पैडल शिफ्टर वगैरह ये सब तो नॉर्मल चीज़ें सभी मिलेगा, फैब्रिक की काफ़ी ज़्यादा फिनिशेस देखने को मिल सकती है। सो गाइस, स्पेस में भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहेगी। और उसी के बाद गाइस यहाँ पे सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, वेंटिलेटेड वगैरह देखने को मिलेगी। सेंटर में आर्मरेस्ट काफ़ी बड़ा मिलेगा विद स्पेस, ये सब तो नॉर्मल सी बात है भाई। और रियर मतलब सेकंड रो की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको भाई रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ऊपर आपको लाइट देखने को मिलेगा रूफ में, एंड मे बी यहाँ पे आपको सनरूफ भाई जो है पैनोरामिक देखने को मिले एज कम्पेयर टू भाई अपनी नेक्सॉन, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलती है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है बीच में काफी बढ़िया सा भाई अपना आर्मरेस्ट कप होल्डर वगैरह के साथ। एंड उसी के बाद गाइस यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको जो सीट मिलेगी मे बी रियर में भी आपको वेंटिलेटेड सीट मिले। हाँ गाइस, यहाँ पे सीट अपनी रियर की मे बी वेंटिलेटेड मिले, और फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो भाई अपना जो पैडल्स आएगा वो आपको मेटल पैडल्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी एमबीएम लाइट आपको फ्रंट के साथ साथ रियर में भी देखने को मिल सकता है। एंड गाइस, प्राइसिंग की बात करते हैं तो एक्सपेक्टिंग प्राइस 10-15 लाख रुपीज़ इसकी रखी गई है एक्सोरूम। एंड गाइस, जो चीज़ आपको सबसे बढ़िया लगेगी इस गाड़ी में वो भाई इसका अलॉय व्हील, फ्रंट का प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल, इंटीरियर भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा शानदार रखने वाला है। एंड यहाँ पे सीट वगैरह की कुशनिंग आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, टायर सेक्शन भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।